शांति। आज की तारीख है 12/10/21 और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। अब हम किन किन देवियों को याद करें, क्योंकि देवियां कोई सिर्फ नौ नहीं है, बहुत सारी देवियां हैं। और इन सभी देवियों को याद करें तब तो हमें, मुझे लगता है, पूरा साल हमारा नवरात्रि का ही चलता रहे। परंतु फिर भी हम सभी जिन जिन देवियों में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन देवियों को माँ के रूप में याद करें और अपने अंदर शक्तियाँ भरें। तो माँ सरस्वती, माँ संतोषी, माँ वैष्णो देवी, माँ मीनाक्षी, किस किस के नाम लें। अच्छा, तो आइए मुरली ही सुनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे महावीर बनो, यानी बहादुर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल और अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी तो गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती नहीं तो ज़रूर गाली देगी, इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, श्री मत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है, यानी नाराज नहीं होना है। नंबर दो, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है। पावन बनने की राय देनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर, किसकी अमानत? बाबा की। तो अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा कहते हैं, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की ही याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। देखो बाबा ने कितनी प्राप्तियाँ और उन प्राप्तियों को कितना सहज हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हम बच्चों को बताया समझाया। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।